कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि जब मुसीबतें आती है ना तो चारों तरफ से आती हैं, क्या उत्तर क्या दक्षिण, क्या पूरब क्या पश्चिम, सारी दिशाएं हमारी शत्रु बन जाती हैं। और ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के साथ, क्योंकि तो राहुल गांधी को इस बार ना तो बीजेपी ने घेरा है, ना टीएमसी ने घेरा है, ना आम आदमी पार्टी ने घेरा है, राहुल गांधी को घेरा है सबसे पुराने यूपीए के साथी शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने। कल तो बिल्कुल सही सुना आपने, शरद पवार ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी को फटकार लगाई है और कहा है कि अपनी राजनीति को सेकने के लिए हम राहुल गांधी का समर्थन नहीं करते हैं, अपनी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों का सहारा नहीं देना लेना चाहिए, क्योंकि उद्योगपतियों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा हाथ होता है। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति की बातें मानकर हम ये सब बातें सोच रहे हैं, सीधा सूधा उनका निशाना था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, क्योंकि यूएस में उन्होंने बोला है कि हम ऐसे व्यक्ति की बात मान रहे हैं जो यूएस में खुद पुलिस के निशाने पर है, पुलिस के घेरे पर है। तो ऐसे व्यक्ति की बात मानकर अपने देश के इतने बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ इस तरीके का परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी का इस बात पर समर्थन नहीं करते हैं, जिस तरीके से संसद के सत्र रद्द हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरीके से लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित हो रही है, ये वाकई शर्मनाक है। और उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, ये दौर राहुल गांधी के लिए बेहद मुश्किलों से गुजर रहा है, क्योंकि एक तो एक एक तरफ विपक्षी एकता की यदि बात करें तो वो बिखरती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अड़े हुए हैं अडानी के मुद्दे पर, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की जांच एजेंसी को करनी चाहिए, वो इसे समर्थित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी अपना अलग ही खेल कर रहे हैं, लेकिन अब एनसीपी के नेता शरद पवार ने भी राहुल गांधी का विरोध किया है। तो अब ऐसे में राहुल गांधी क्या करेंगे, क्योंकि चौतरफा राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, सदस्यता जा चुकी है, 2 साल की सजा मिल गई है, घर खाली कर दिया है, विपक्षी एकता की बात करें तो 0 बनी हुई है। और अब शरद पवार ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है राहुल गांधी के ऊपर, इसी के साथ साथ ईवीएम पर सवाल उठाया है। तो सभी राहुल गांधी के विरोध में हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, वो अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार मुसीबतें आ रही हैं। शरद पवार की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि ये एनसीपी का अपना मत हो सकता है, शरद पवार का वोट हो सकता है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि 19 पार्टियां विपक्ष की हमसे सहमत है। अब ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया किस तरीके से अलग अलग राय सारी विपक्षी पार्टियां हैं और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी जेपीसी की मांग से सहमत नहीं है, क्योंकि क्योंकि बहुमत में बीजेपी है और जितना भी मत आएगा वो जेपीसी के विरोध में आएगा, सब जेपीसी की मांग पर सहमत है ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को ये लग रहा है कि सारे लोग जेपीसी की मांग पर सहमत हैं, लेकिन लेकिन शरद पवार का राहुल गांधी के खिलाफ ये बोलना, ये टारगेट करता है सीधा सीधा राहुल गांधी को। अच्छा, यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर अनिल एंटनी, किरण रिजिजू की बात करें या किसी के भी बात करें, जो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाता है वो उसका जिम्मेदार सीधा सीधा राहुल गांधी को बताता है। किरण रेड्डी कल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने भी कांग्रेस पर यही आरोप लगाया है कि केवल और केवल राहुल गांधी की वजह से हम पार्टी छोड़े हैं। अनिल एंटनी ने क्या कहा वो भी हम आपको बता चुके हैं। और आज सी राजगोपालाचार्य, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और मद्रास जिसमें तमिलनाडु केरल पहले का सब कुछ था, आंध्र प्रदेश था, कर्नाटक था, उसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचार्य के ग्रेट ग्रैंड सन, आज तमिलनाडु में वो बीजेपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या परिस्थिति चल रही है। कांग्रेस में जितने भी नेता छोड़ रहे हैं और जिस तरीके से छोड़ रहे हैं, जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, अफवाहें उड़ रही हैं, चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो अभी 2022 के चुनावों तक कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री थे पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह को चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी पर जो चौतरफा हमला हो रहा है वो वाकई सोचने वाली बात है, और कांग्रेस पार्टी इस समय गहरी सदमे में भी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रभारी नेता पंजाब पहुंची और कहा जलंधर के उपचुनावों में आपको भारी भूमिका मिलेगी,
और चन्नी से ये बयान दिलवाया गया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और कहीं नहीं जा रहे हैं, इसमें दो फर्क है। जो भी चन्नी अलग से बोलते हैं और जो भी चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी के सामने बोलते हैं, इन दो बयानों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब प्रेशर डाल के बुलवा दिया है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही है। और सारे लोगों का एक ही कहना है कि राहुल गांधी के साथ काम नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी के साथ वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसकी रीढ़ की हड्डी खुद की ना हो, और राहुल गांधी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। सोनिया गांधी तक तो ठीक था क्योंकि वहां हमें बोलने दिया जाता था, लेकिन अब हमारे बोलने की आजादी तक छीन ली गई है, ये सबसे बड़ी बात। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने ही एक दूसरे के बयान पर सहमति जताते हुए अब घेरा है राहुल गांधी को ईवीएम के मुद्दे पर, जो हमेशा वो कहते हैं कि विपक्ष यदि हार जाता है तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी होती है, उसको लेकर भी अब राहुल गांधी को घेरा है। और सबसे बड़ी बात, अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा है। तो राहुल गांधी के जीवन की जो मुसीबतें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और राहुल गांधी जिस तरीके से खुद की पार्टी का नाश किए जा रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी का एक ही नारा है, जिसको जाना है वो जाओ, और सारे बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और वो नेता जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी है वो आज या तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं या फिर उनका राजनीतिक करियर इतना ज्यादा है कि देख कर ही लगता है कि हमें नेता हो तो ऐसा हो। और कांग्रेस पार्टी आज राजनीति के जिस हर्ष पर है वो हम सभी देख रहे हैं। तो राहुल गांधी की इस बेवकूफी पर और राहुल गांधी पर हो रहे इस चौतरफा हमले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।